अनीता, इनकी बहन को सांस लेने में तकलीफ थी और डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा और ऑपरेशन करवाने के बाद ये बोल नहीं सकेगी और साथ में जान जाने का भी खतरा है। इन्होंने लिखा है कि फिर ये बहन चमत्कार चर्च में आए और इन्होंने प्रार्थना को ग्रहण किया जिसमें बिशप जी बोल रहे थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल होने जा रहे हैं। इन्होंने वो प्रार्थना को अपनी बहन के लिए रिसीव किया। अब उसका ऑपरेशन कैंसिल हो गया है और वो भी डॉक्टर के नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही वो सही हो गई है। जय मसीह सबको, सब कलीसिया को जय मसीह। पिछले संडे में आई थी, मेरी बहन का ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, उसके सांस में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन होएगा, कि ऑपरेशन के बाद भी सारी उम्र ये बोल नहीं पाएगी। तो मैं पिछले संडे आई, रिसीव किया। पापा जी कह रहे थे जिसके गांठे हैं, जिसके गले में गांठे हैं वो गायब हो जा रही है, ऑपरेशन कैंसिल होने जा रहे हैं। मैंने प्रभु से रिसीव किया, मैंने कहा हे परमेश्वर मेरी बहन को भी चंगाई दे। सोमवार को उसका ऑपरेशन था और डॉक्टर ने बोल दिया था इसका जान जाने का खतरा है और सारी उम्र बोल नहीं पाएगी। आप कहो तो ऑपरेशन करें और आप कहो तो हम इसके सांसों के अंदर हाथ ना डालें, इसकी जान जाने का खतरा है। जब पापा जी ने बोला कि कैंसल ऑपरेशन कैंसिल होने जा रहे हैं, मैंने रिसीव किया और मेरे परमेश्वर ने चंगाई दी मेरी बहन को। बिल्कुल नॉर्मल, अच्छा सा खा रही है, अच्छा सा बोल रही है, परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, साथ पापा जी का धन्यवाद करती हूँ। जो पापा जी कह रहे थे ऑपरेशन कैंसिल होने जा रहे हैं तो मैंने रिसीव किया तो मेरी बहन के ऑपरेशन कैंसिल हुआ। अच्छा सा खा रही है और अच्छा सा घूम रही है, अच्छा सा बोल रही है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हूँ, पूरी कलीसिया का, पापा जी के परिवार का धन्यवाद करती हूँ। जो रिसीव करता है वो चंगाई पाता है, यह मसीह। तो सांस लेने में कैसे क्या होता था? पापा जी उसके जो सांस वाली नाड़े थी ना वो ब्लॉक हो चुकी थी, लकवा हो गया था उसकी नाड़ों के अंदर। सांस वाली जो नाड़े होती है ना उसके अंदर लकवा हो गया था, गले में होती है। हाँ, गले के अंदर। तो उन नसों को जो नाड़े थी उनको उनको लकवा हो गया। हाँ, लकवा हो गया था। तो डॉक्टर बाकी बॉडी ठीक थी। हाँ, सही थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, बाकी सारा शरीर ठीक था। हाँ, बाकी बिल्कुल ठीक था। पहली बार सुना मैंने ऐसा, पूरी बॉडी ठीक थी। नहीं, पहले तो उसके ना गले में गांठ हो गई थी, वो थायराइड की हमने ऑपरेशन करवा लिया था तो उसके अंदर गांठ के अंदर, फिर उसके सांस वाली नाड़ों के अंदर लकवा हो गया। फिर हमारे को अच्छा, हाथ बिल्कुल ठीक थे। हाँ, बिल्कुल ओके ठीक थे। हाँ, उसकी फोटो भी मंगवा दूं, बिल्कुल ओके है, ठीक बस है। वो उसके गले की जो नसें थी वहाँ, मतलब वो लकवा हो गया। हाँ, वहाँ लकवा हो गया था। सारी रिपोर्टें पड़ी हैं, जांचे पड़ी हैं। और संडे को मैं मीटिंग में आई थी और सोमवार को मेरी सिस्टर का ऑपरेशन होना था और मैंने संडे को रिसीव किया। आप बोल रहे थे कि जिसके गांठे हैं वो गैप होने जा रही है और जिसके पेट में गांठे गले में, और मैंने रिसीव किया। मैंने कहा प्रभु जी मेरी बहन को भी ठीक करो। तो परमेश्वर ने उसको चंगाई दी और सोमवार को छुट्टी मिल गई। जो डॉक्टर कह रहे थे उसकी जान जाने का खतरा था, वो सारी उम्र नहीं बोलेगी अपने बच्चों के अंदर बैठ के, आप बोलो तो ऑपरेशन करें और आप बोलो नहीं करेंगे। मैंने मेरी बहन को बोला तू ठीक हो जाएगी, तेरे को छुट्टी मिल जाएगी, तो रो मत। कहते मेरे बच्चे कौन पालेंगे, छोटे छोटे, मेरी जान जाने का डॉक्टर बोल रहे हैं खतरा है। मैंने कहा नहीं, तू ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो के आई है बीकानेर से। और डॉक्टर बोलने लगे सुबह ऑपरेशन करना था, तेरी नाड़े अपने आप ठीक होगी, ऐसे कैसे हो सकता है मेरे को बताओ। तो बिल्कुल ओके और ठीक आई है, अभी आना था इस संडे, वो नहीं आई, अगले संडे को लेके आऊंगी। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुगवाही के लिए। डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था, ऑपरेशन का बोला ही था, सोमवार को ऑपरेशन होना था, लेकिन ये बहन जो है वो संडे को प्रार्थना में आई और जब इन्होंने उस प्रार्थना को ग्रहण किया, जब यह बोला जा रहा था कि ऑपरेशन कैंसिल हो रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह चंगा कर रहे हैं, तब इनकी बहन को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। वो कहते हैं कि जो गले में जो नसें थी, जो नाड़े थी, उनको लकवा हो गया था और जिसके कारण से उनको सांस लेने में दिक्कत थी और उनका ऑपरेशन था।
और डॉक्टर डर रहे थे कि अगर उसका ऑपरेशन करेंगे गले की नाड़ों का, हो सकता है इसकी आवाज चली जाए और जहां इनकी जान को भी खतरा हो, सांस लेने में क्योंकि दिक्कत थी। लेकिन परमेश्वर मसीह जी की प्रार्थना को ग्रहण करने से परमेश्वर मसीह ने चंगा कर दिया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद।